ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। बड्डो वाला टोल प्लाजा जो नरवाणा और इसार नरवाणा बरवाला का लो नेशनल हाईवे रोड पे है और चौधरी घासीराम नैन जो एक बड़े किसान मसीहा हुए हैं उनकी आज पुणे तिथि पर बड्डो वाला टोल प्लाजा पे एक बड़ी किसान महापंचायत रखी गई जिसमें जो है हजारों की संख्या में किसान जिसमें पुरुष हैं काफ़ी महिलाएं भी हैं। एक बार कहूँ उस साइड का दिखाई दे एक बार कितनी पब्लिक जो है बड्डो वाला टोल प्लाजा वो पहुँची है। और अगर बड़े किसान नेता की बात करें तो योगेंद्र सिंह यादव है, युद्धवीर जी हैं और राकेश टिकैत आज नहीं आ पाए तो उनकी गैर मौजूदगी में नरेश टिकैत जो उनके बड़े भाई हैं वो पहुँचे हैं। एक दो सवाल नरेश जी नमस्कार जी राम राम तो ले लो ले ली राम 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 राम। आंदोलन में हमने खोया कम पाया ज्यादा सबसे बड़ी तो यह है बात हमारा जो किसान परिवार है हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक आपस में एक मिलने चिलने का तो एक काफ़ी अच्छा हो रहा। जो हमारी समस्या में तो चलो सरकार की बात है मानना ना मानना तो उनकी बात है पर इस हम लोग घाटे का सौदा नहीं मान रहे। इस आंदोलन को हम घाटे का सौदा नहीं मान रहे। इसमें हमारा जो पिछड़ा हुआ परिवार है ये सब एक हो रहा सब आपस में मिलना चिलना भाईचारा एक उसे बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी तो यही बात है हम एक तीर तो दो निशाने साथ दे जा रहे सरकार पर दबाव बनना और एक अपना परिवार जो हमारी माताएं बहनें हमारा परिवार है सब ये संगठित हो रहा ये सबसे अच्छा लगे। एक जो हरियाणा की और यूपी की पंजाब की एक वह थी मिलना चिलना कम होता सारी वो होती बात थी इब यह सब है बिल्कुल एक नो है जने अपने रिश्तेदार मिल रहे अपने भाई मिल रहे तो यह बहुत बहुत अच्छी बात है। यह नहीं मिले आगे और चलती रहेगी आगे किसी की भी सरकार आवे कुछ भी बात हो हम अपनी आवाज़ पूरे जोरों शोरों तक उठा सके। नरेश जी एक चीज़ चल रही है कि इस आंदोलन में बीजेपी जेजेपी को छोड़ के बाकी भी जो पार्टी हैं किसानों का कहना यह है कि अपनी खुद की एक पार्टी होनी चाहिए यानी कोई भी अगर आगे आता है तो वो किसान में से हो ना कि और अदर पार्टी में। इस बार ये तो सब अपनी पार्टी है हम किसान इतने ना किसान पे इतना पैसा है ना हम पार्टी बनाते कुछ नहीं बात है तो संयुक्त मोर्चा है ये जो कुछ है और कुछ नहीं कोई वह नहीं है बातचीत पार्टी तो यही है यही अपना ठीक ठाक लड़ मिल कर अपना लड़ लो ठीक चौक के अच्छी बात हुई है। हमें कोई वो नहीं है कोई पार्टी में कोई राजनीति में हम कोई विश्वास नहीं करते ना इसमें हम ज़्यादा कामयाब होने के हम तो यही है किसानों की बात आवाज़ उठाते रहे अपना ठीक है यही चलता रहे अपना ठीक। मुजफ्फरनगर में जो अभी महापंचायत हुई थी एक रिकॉर्ड तोड़ा था भीड़ ने भी रिकॉर्ड तोड़ा हरियाणा हो पंजाब हो राजस्थान हो मतलब पूरे भारत प्रदेश से किसान वहाँ आए थे तो यूपी के जो आगामी चुनाव है उनके ऊपर सबकी नज़र है तो उसमें मतलब एक टिकैत परिवार की क्या भूमिका होगी। हम तो वहाँ जो कुछ चाहेंगे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ये भी बता आप क्या नहीं वो तो एक है तो हमारा बड़ा परिवार होगा इनकी सुलह मशवरा लेंगे बड़े प्रदेश तो होगी 10 महीने नहीं ये भी चुनाव पर कोई वो नहीं हुई चर्चा ये भी तो हम अपने उसमें कर रहे हैं चुनाव की कोई चर्चा नहीं ना चुनाव पर हम जाते हम वैसे जो कुछ भी चाहेंगे वहाँ हो जाएगा वो। इतना तो चर्चा जरूर हुई है कि भाई बीजेपी नहीं बनन देनी ये तो चर्चा जरूर है भाई एक तो बताओ जब किसी के साथ में लड़ाई हो रही तो उसे तो नुकसान पहुँचाने की बात हम करेंगे उन्हें फायदा थोड़ा ही पहुँचाओगे जब उनके उन्होंने हम इतने परेशान कर रखे सारी हो रही बातचीत तो हम तो यही है अच्छे काम करो अपना ठीक है उनका अच्छा अपना एक ऐसा ना हो पिछली सरकार अच्छा को आ जा ये भारतीय जनता पार्टी एक जिद्दी तानाशाही तालिबानी कह लो कुछ भी कह लो एक इनका वो है थारे सामने कोई ना ही बोल रहे एक थारा एक मुश्त राज रहे जो कोई बोल रहे उसे बंद कर दो जेल में बंद कर दो लाठी डंडे तक कर दो तो ऐसा नहीं चले। संजीव बालियान के साथ को लेकर आपके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे
आइए कुछ नहीं, संजीव बालियान हमारे सामने नहीं बोलने का, संजीव बालियान अच्छा। तो ना कुछ नहीं, आपका कोई समर्थन नहीं है? समर्थन नहीं है? नहीं, समर्थन तो था पहले, इब तो नहीं। अब मतलब जो राकेश टिकैत जी ने एक शब्द बोला था अल्लाह अकबर का, क्योंकि इस आंदोलन में देखा गया कि भाई चलो ठीक है, सरो धर्म सरो जात सारे बराबर, लेकिन उसको ऊपर एक राजनीतिक सवाल उठाया गया कि राकेश टिकैत आने वाले इलेक्शन के लिए ऐसा। एक तो बताओ, ये नारा तो सन 1987 में लगा था, टिकैत साहब ने लगा था, ये मुसलमानों ने हर हर महादेव बोलिया, मुसलमानों ने हर हर महादेव और हिंदू ने अल्लाह अकबर, उसे पहले कह लो या बाद में कह लो, तो दोनों साथ चले नारे, पूरी पंचायत में कहते हैं अल्लाह अकबर, उधरता हुआ जावती हर हर महादेव, तो इसमें क्या, इसमें तो एक एकता है, जोड़ने का काम है, इसमें कोई वो थोड़ा ही है। आज हिंदू मुस्लिम वाली बात हट गई, इस सरकार की गलत नीति है जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करवा के ये केंद्र में सरकार बन गई, ऐसा नहीं चले, ये कार्ड बंद हो गया इनका, इनका जो वो था वो खत्म हो गया, एक तो विकास पर काम चलेगा और अच्छाई पर काम चलेगा, सच्चाई पर काम चलेगा, यही रहेगी थी। अगर दुष्यंत चौटाला की बात करा, मुख्यमंत्री की बात करा, उन तक ने एक बात कही है कि ये आंदोलन 26 जनवरी तक ठीक था, उसके बाद खुद किसान अपनी राजनीति करने के लिए जो लगातार एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। भाई एक है, उस परिवार के बारे में हम उनकी खिलाफत नहीं करते, चौधरी देवीलाल जी बहुत अच्छे हुए थे किसान नेता, उन्हीं का पड़ोता है ये दुष्यंत चौटाला, उनका काफ़ी विरोध हो रहा है, उन्हें ऐसे परिवार तो थे, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहता, उसमें नहीं रहना चाहता सरकार, अभी इस्तीफा दिया तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसको लोग बोलने नहीं देते, तो दुष्यंत के इस्तीफे से क्या कानून वापस होंगे अजय चौटाला? नहीं, एक तो बताओ जी, एक इस परिवार को किसानों का हितैषी माना गया और जब इतना विरोध हो रहा तो सरकार में रहने का कुछ वो नहीं था, उन्हें इस तरह इस्तीफा दे देना चाहता, अपने किसानों के बीच मारते, किसानों ने फिर सिर पर बैठाते, अच्छा नहीं कर रहे मैं, ठीक है वो तो उनकी सोच है, युवा सोच है, पर ठीक नहीं। अगर 2024 तक कानून वापस नहीं होते तो किसानों का कहना है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, यानी 24 तक किसान बैठेंगे, तो 24 में जब चुनाव होगा तब के मतलब थोड़ा जवाब, ये संयुक्त मोर्चे को है, संयुक्त मोर्चा ही है जो कुछ है, एक आधे आदमी की नहीं बात है, जो राइट है संयुक्त मोर्चे के, मैं आज उठा दो धरने को या जब तक भी रखा जब तक चलेगा, वे उन्हीं को राइट है और कुछ नहीं। तो भाई नरेश टिकैत जी जो हो बैठे थे, दो चार सवाल थे जो नरेश टिकैत से करे हैं, इन सवालों में आपका मानना क्या है, आपकी सोच के, आपके विचार के, आपकी प्रतिक्रिया के, वो आपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देने हैं। हालांकि संजीव बाल्यान को लेकर जो है नरेश टिकैत का कहना ये है कि हम किसी मतलब राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, दूसरी चीज केवल किसानों के पक्ष में जो है बात कर रहे हैं, तो देखो सवाल बहुत सारे हैं इस परिवार के ऊपर कि भाई हो सकता है भाई ये मतलब बीजेपी के समर्थन में है, लेकिन नरेश जी का कहना ये था कि पहले थे अब नहीं है, तो वीडियो शेयर कर दियो, आपकी राय जरूर दे दियो, जय जवान जय किसान।